नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। शुरू कर रहे हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के थ्योरेटिकल क्वेश्चनों के जरिए समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट हम। दोस्तों कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑफसेट होना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मेथड्स, कॉस्ट, कितना प्रोडक्शन करना है हमें, मास प्रोडक्शन है या सिर्फ सिंगल जॉब है। इस बेसिस पे थोड़ा वेरिएशन चलता है। और जो ड्रिवन फोर्स है दोस्तों वो है कॉस्ट और क्वालिटी। आपको एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड, क्वालिटी कैसी चाहिए उस बेसिस पे आपकी कॉस्ट हो सकता है थोड़ी बढ़ जाए, और आप अगर स्टैंडर्ड एक्यूरेसी उतनी नहीं चाहिए तो आपकी कॉस्ट कम हो सकती है। अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, आइए जानते हैं क्वेश्चन के जरिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड वैरायटी ऑफ वर्क कैरेक्टराइज। लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब है कि बहुत ही कम संख्या में कोई चीज़ बनानी है मगर वैरायटी बहुत है दोस्तों, उस काम की वैरायटी बहुत है। यानी कि अगर हम मान लें कि मूर्तियाँ बनानी है दोस्तों, अलग अलग मूर्तियाँ बनानी है, कोई गणेश जी की, कोई लक्ष्मी जी की, कोई किसी महापुरुष की, अम्बेडकर जी की, तो अलग अलग मूर्तियाँ बनानी है और ज़्यादा संख्या में नहीं बनानी मगर सारी अलग अलग मूर्तियाँ हैं तो दोस्तों अलग अलग उसके अंदर काम रहेगा। तो ऐसे के लिए हमारे पास है जॉब प्रोडक्शन, जिसके अंदर ज़्यादा संख्या में तो नहीं बनाते मगर अलग अलग केस, जैसे कि कोई जैसे कि आपका दोस्तों जो वेल्डर होता है, आमतौर पे जो दुकान आप देखते होंगे वेल्डिंग की या टर्नर वाली दुकान है, उसमें वो अलग अलग वैरायटी रहती है दोस्तों काम की। मान लो अगर किसी को रेलिंग ही बनवानी है या फिर आगे का जो उसको कुछ मेटल से सीढ़ी की रेलिंग बनानी है या फिर आगे का जो छज्जा रहता है उस पर कुछ मेटल का एक कॉन्स्टेंट बनाना है तो वो अलग अलग मेटल के हो सकते हैं। हो सकता है कोई SS का बनवाए, कोई MS का बनवाए और अलग अलग डिजाइन हो सकती है। तो वहाँ दोस्तों वैरायटी बहुत है और वॉल्यूम भी कम है क्योंकि अलग अलग आमतौर पर लोग एक दो घर ही होते हैं तो दो चार ही दोस्तों एक तरीके के प्रोडक्ट बनाने होंगे, सारे प्रोडक्ट अलग अलग मगर वो बनते दोस्तों रॉड और उनकी अलग अलग शेप से, हॉलो भी हो सकती है, वो वेल्डर की आप दुकानें देखते होंगे, सीट हो सकती है, एंगल होते हैं उसके पास, उन्हीं के जरिए वो अलग अलग डिजाइन की अलग अलग लोगों के हिसाब से बनाता है। तो वो दोस्तों कहलाता है हमारा जॉब प्रोडक्शन। तो लो वॉल्यूम प्रोडक्शन और वैरायटी ज़्यादा हो तो हम जॉब प्रोडक्शन में करते हैं ये काम। वहीं दोस्तों बैच प्रोडक्शन में क्या है कि वॉल्यूम आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। बैच प्रोडक्शन यानी कि एक एक बैच बना लेते हैं, एक जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग, एक जैसे जो प्रोसेस करने हैं किसी ऑब्जेक्ट पे उसका बैच बना लेते हैं दोस्तों। आप देखते भी होंगे कंपनियां बैच वाइज चलती हैं कि किसी एक मान लीजिए फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, कोई ड्रग बना रही है तो उसका ये बैच चल रहा है, इतने मान लो 100 kg का बैच है ये किसी दवा का, तो बैच प्रोडक्शन दोस्तों हो गया। और मास प्रोडक्शन आप जानते ही हैं कि मास लेवल पे जैसे गाड़ी की जो असेंबली लाइन रहती है वो मास प्रोडक्शन है दोस्तों, धड़धड़ा के एकदम नट बोल्ट जो बनते हैं वो मास प्रोडक्शन है। तो इसमें लो वॉल्यूम एंड हाई वेराइटी इज अंडर जॉब प्रोडक्शन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट सुटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरी लार्ज साइज कंपोनेंट्स इज। दोस्तों कोई बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट हैं अगर उसको बनाने के लिए आप जो है कास्टिंग कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां आप देखते होंगे या अशोक का जो स्तंभ जो दिल्ली में रखा है जिसपे जंग नहीं लगता है, वो दोस्तों मान लो कि 15-20 फीट का है, उसको कास्टिंग कर सकते हो। बड़ी बड़ी मूर्तियां जो पुरानी अष्ट धातु की या ये सब मिलती हैं दोस्तों, वो सब कास्टिंग की हुई होती है। तो कोई बड़े साइज का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है तो सैंड कास्टिंग पता नहीं कब से चला आ रहा है, हजारों साल पहले से, एक सांचा बना लो, उसके अंदर मेटल को जो है लिक्विड फॉर्म में बना लो और पोर कर दो। अब वो सांचे का शेप ले लेगा और आपका डिजायर्ड शेप मिल जाएगा दोस्तों। तो बड़े बड़े साइज बनाने के लिए अच्छी स्ट्रेंथ भी रहती है आपके कास्टिंग में, तो ये एक मेथड हो सकता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा बेस्ट सुटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग
बॉडीज ऑफ व्हीकल्स इज। दोस्तों आप देखते होंगे ऐसे जो डाले या फिर ट्रक या टाटा 407 या कोई और भी ट्रक, उसके नीचे का चेसिस और यही आता है, ऊपर की जो बॉडी बनाते हैं वो लोग, वो किसी वेल्डिंग की दुकान पे दोस्तों सीटों से वेल्ड कर करके जिस तरीके का चाहिए मतलब ट्रक मालिक को वैसा वो डिजायर्ड बना लेता है। पूरा फुल्ली क्लोज्ड हो या ऊपर से ओपन हो, या फिर उसके कहाँ कहाँ गेट देने हैं, तिरपाल के लिए जो एक हुक देते हैं, हुक कहाँ रहेंगे, ये सब चीजें दोस्तों वो कस्टमाइज करके जो बॉडी है किसी भी व्हीकल की वो वेल्डिंग या मेटल जॉइनिंग एक अच्छा तरीका है वो करने के लिए। दोस्तों सीट ले लेते हैं वहाँ, आप उसको अलग अलग सीटों को वेल्ड कर देते हैं अलग अलग शेप के हिसाब से, अलग अलग डायमेंशन की जो रहती है, तो मेटल जॉइनिंग से दोस्तों ये आप व्हीकल की किसी बॉडी बना सकते हैं। बॉडी बॉडी सिर्फ कह रहा है दोस्तों, बाकी नीचे का वो जो चेसिस या फिर इंजन के पार्ट, उसमें कास्टिंग के भी बहुत सारे हो सकते हैं और फॉर्मिंग से भी बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर्मिंग से दोस्तों काफी मजबूत हमें मिलता है, डिजायर्ड प्रॉपर्टी जो है काफी ज्यादा मिलती है, स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मिलती है फॉर्मिंग से। तो इंजन के पार्ट फॉर्मिंग से पहले कास्टिंग, उसके बाद फॉर्मिंग करके या फॉर्जिंग करके बनाते। यह चौथा क्वेश्चन दोस्तों, पिक द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड कौन सा है, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या फास्टनिंग। दोस्तों ये वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग ये तीनों ही हीट सोर्स पे काम करते हैं, यानी इसको हीट चाहिए वेल्डिंग को भी, सोल्डरिंग को भी, ब्रेजिंग को भी। इनमें आपस में डिफरेंस है, वेल्डिंग में क्या है, पैरेंट मेटल यानी जिसको जोड़ना है, और जो आप एक फिलर मेटल यूज करते हैं वो पूरी तरह गल करके जुड़ता है, वही सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में पैरेंट मेटल नहीं गलता दोस्तों, बस फिलर मेटल गलता है और कैपिलरी के माध्यम से वो चिपक जाता है फिर ठंडा हो जब होता है तो, मगर पैरेंट मेटल नहीं होता। तो ये इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, मगर वेल्डिंग में क्या है, पैरेंट मेटल जिसको जोड़ रहे हो और जिससे जोड़ रहे हो वो सब पिघल करके आपस में बढ़िया से जुड़ जाता है। वहीं फास्टनिंग जो है दोस्तों, उसके ना हीट का उपयोग नहीं करते फास्टनिंग, आप मैकेनिकल फास्टनिंग की बात करें अगर तो नट बोल्ट, स्क्रू, ये सब दोस्तों फास्टनिंग के तरीके। तो यही ऑड है इसमें से फास्टनिंग। यह है क्वेश्चन दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, सिलेक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर अ गिवन जॉब डिपेंड्स अपॉन। दोस्तों आप किस तरीके से किसी प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करेंगे, ये डिपेंड करेगा कितनी संख्या में आपको वो प्रोडक्शन करना है। अगर मान लो सिर्फ एक ही संख्या है तो आप किसी किसी वर्कर को बुला के उससे करा लेंगे, मगर आपको ज़्यादा संख्या में अगर कोई चीज़ करना है तो हो सकता है आपको पूरी प्रोडक्शन लाइन बनानी पड़े, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां मान लो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, इन सब की रहती है, उनकी प्रोडक्शन लाइन बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में बनाते हैं। वहीं दोस्तों बहुत महंगी महंगी गाड़ियां अगर देखें, रॉल्स रॉयस वगैरह, तो उसकी असेंबली लाइन छोटी सी रहती है और वो हैंडमेड ज़्यादा उसमें काम होता है। तो नंबर ऑफ दोस्तों सेम सेम दोस्तों वो लग्जरी कार ही है, कार सेक्शन में ही कोई मास प्रोडक्शन कर रहा है और कोई बहुत ही कम प्रोडक्शन कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करेंगे आप, क्वालिटी आपको कैसी चाहिए इस पर भी डिपेंड करेगा दोस्तों, इकोनॉमी ऑफ द प्रोसेस यानी पैसा आपको कितना लगा सकते हैं। जैसे रॉल्स रॉल्स रॉयस दोस्तों बहुत महंगी है, तो वो क्या है कि पैसा ज़्यादा भी उसमें लगा सकते हैं क्योंकि बड़े स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्कर जो है वो मैन्युअली बहुत सारे काम करते हैं उसके अंदर ताकि इंश्योर कर सकें क्वालिटी। वहीं दोस्तों ये जो मास प्रोडक्शन में क्या है कि क्वालिटी भी आपका कंप्यूटर ही कंट्रोल करता है और बहुत ज़्यादा संख्या में बनाते हैं जिसके कारण आपका कॉस्ट कम आती है दोस्तों। तो ये सारे ही फैक्टर है सिलेक्ट करने के लिए कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लें हम। सिलेक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर अ गिवन जॉब डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, डिजायर क्वालिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ये हमने 5 क्वेश्चन किए, अगले वीडियो में भी दोस्तों हम 5-7 क्वेश्चन करके ऐसे ऐसे करके 200-300 क्वेश्चन थ्योरेटिकल कर ले मैन्युफैक्चरिंग के। आमतौर पर थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल मैंने काफ़ी कराए हैं दोस्तों, आप उसको रिफ़र करें आपको कोई तकलीफ हो तो। धन्यवाद।